वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सदाम एडिटिंग। सो गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, जिससे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा या अभी चल रहे स्क्रीन पर देख रहे हो गाइस, कुछ इस तरह की वीडियो अगर आपको बनाना है अपने वीडियो के साथ तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेंगे गाइस। सो गाइस हम इस वीडियो को एडिट करने के लिए कैन मास्टर एप्लीकेशन को यूज करने वाले हैं, जो कि आपके पास होगा या नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर पर भी इजीली मिल जाते हैं। तो गाइस हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले अपने मोबाइल का जो कैन मास्टर एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और नाइन स्ट्रक्चर फ्रेम सेलेक्ट करके नीचे क्रिएट पे क्लिक कर देना है गाइस। करने के बाद गाइस इससे आपको एक वीडियो शूट कर लेनी होगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपका बैकग्राउंड जो है गाइस आपका वाइट होनी चाहिए, जैसे कि अभी मेरे वीडियो का बैकग्राउंड है इस तरीके से आपको भी वीडियो का बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो गाइस हम इस वीडियो को एड कर लेते हैं। सो गाइस देख सकते हो तो मैं अपना वीडियो जो है यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पर जिस भी आपका स्टारा पार्ट होगा वीडियो में उस स्टारा पार्ट को आपको डिलीट कर देनी होगी गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो तो मैं यहाँ तक वीडियो को रखूँगा, इसी वीडियो पर क्लिक करूँगा, यहाँ कैंची वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर ट्रिम लेफ्ट आपको कर देनी होगी, यानी कि इधर के स्टारा पार्ट है जो कट जाएंगे। सो गाइस आपको लास्ट में कितना तक वीडियो रखना है वहाँ उतना तक आपको रखना है, तो मैं यहाँ पर यहाँ तक रखूँगा, यहाँ पर ट्रिम राइट आपको कर देनी है। करने के बाद गाइस यहाँ पर जहाँ पे आप बॉक्स मारते हो दीवार में कुछ इस तरीके से वहाँ तक आपको रखना है गाइस, वहाँ तक आपको रखना है। फिर से आपको इसी वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ स्प्लिट पे आपको क्लिक कर देनी होगी। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से अब थ्री डॉट आपको मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर आपको निकाल लेनी होगी और इस वीडियो पर क्लिक कर देना है, यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करना है, यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड आपको ऐड कर लेनी होगी, तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और करने के बाद गाइस यहाँ पर फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक वीडियो आपको ऐड करनी होगी, जो भी वीडियो इसमें आप यूज करना चाहते हो उस वीडियो को यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो जो है मेरे पास, मैं उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से जिले डाउनलोड कर सकते हो या आप दूसरा भी वीडियो इसमें यूज कर सकते हो। सो गाइस देख सकते हो तो मैं यहाँ पर ये वीडियो को ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पर यहाँ तक इस वीडियो को रखूँगा, इस वीडियो पर कैंची पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ट्रिम लेफ्ट करूँगा और इसको फिर से आपको इसको खींचकर आपको स्टार्टिंग में लेके आ जाना है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, और इसी वीडियो पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे साइड में आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे सेंड टू बैक आपको कर देनी होगी। और करने के बाद गाइस यहाँ से अपने वीडियो पे क्लिक कर देना है, थोड़ी सी स्क्रॉल यहाँ पे करना है, यहाँ स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसे यहाँ से फुल स्क्रीन में एड कर देनी होगी। करने के बाद गाइस यहाँ से वापस आना है, थोड़ी सी और स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देख सकते हो ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना, यहाँ से इसे मल्टीप्ले कर देनी होगी। तो गाइस यहाँ से करने के बाद इस लड़की वाले वीडियो पर क्लिक कर देना है, इसको जो है आपको अच्छे से ऐड करनी होगी कुछ इस तरीके से इसमें गाइस। सो गाइस अच्छे से आपको इसमें एडजस्ट करनी होगी वीडियो को, तो वीडियो को मैं एडजस्ट कर लिया हूँ। करने के बाद गाइस यहाँ पर इस लेयर पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ स्टोर पे क्लिक कर देना है, यहाँ मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस मास्क को आपको डाउनलोड कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो देखने को मिल जाती है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, फिर से आपको क्लिक करूँगा, इसको यहाँ से बैक आ जाऊँगा, इसका सेटिंग पे क्लिक कर देना, इसका फेडर जो है थोड़ी सी बढ़ा देनी होगी, थोड़ी सी स्क्रॉल करना, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके यहाँ से व्हाइट कलर आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ से सेव कर देनी है। तो गाइस इसके बाद आपको थोड़ी सी इसको बड़ा कर देना और उसको इसके नीचे में एड कर देनी होगी कुछ इस तरीके से गाइस। करने के बाद गाइस यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक कर देना, सेंड टू सेंड बैकग्राउंड पे आपको क्लिक कर देनी होगी। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो तो कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस आपको यहाँ से वापस आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हो। और गाइस आपको क्या करना है, इस लेयर को जो है जितना बड़ा आपका वीडियो है उस वीडियो के बराबर में आपको कर देनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो जितना बड़ा लड़की का वीडियो उतना ही बड़ा मैं रखूँगा। तो यहाँ पर इस बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा, यहाँ कैंची वाले ऑप्शन पर करूँगा, इस चार वाले जो है जो मैं स्टारा बैकग्राउंड है इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा गाइस। तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके देखने को मिलेंगे। फिर से आपको क्या करना है गाइस, यहाँ तक आ जाना है, फिर से लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, एक जो है शीशा वाले वीडियो जो शीशा टूटते वो वीडियो मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेनी होगी। तो मैं उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ।
और करने के बाद गाइस यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रॉल करनी है, स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से फुल स्क्रीन में इसको ऐड करनी है। फिर से आपको यहाँ से बैक आ जाना है, थोड़ी सी और स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देख सकते हो एक वैलिडिंग का ऑप्शन मिल जाते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ से इसे स्क्रीन में आपको कर देनी होगी। करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो, सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जहाँ से आप फाइट जो मारते हो दीवार में वहाँ आपको शीशा टूटनी चाहिए, तो इस वीडियो को थोड़ी सी और आगे कर देना कुछ इस तरीके से। देख सकते हो मैं यहाँ पर आगे कर दिया हूँ और यहाँ पर देख लो जैसे मैं फाइट मारता हूँ उसको शीशा टूट जाते गाइस। और आपको क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक रहने देना, थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे सेंड टू सेंड बैकग्राउंड पे क्लिक कर देनी होगी गाइस कुछ इस तरीके से। देख सकते हो और आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से वापस आ जाना है इस लेयर वाले जो फेट पे है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट आपको निकाल लेनी होगी। डुप्लीकेट निकालने के बाद गाइस यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर देना है, इसको बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसे ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस थोड़ी सी आपको बड़ा कर लेना है, नीचे में आपको एड कर देनी होगी कुछ इस तरीके से। देख सकते हो मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। सो गाइस ये वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है, तो सो गाइस इस वीडियो को यहाँ पर सेव करने के लिए सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ सेव वीडियो पर क्लिक करूँगा, ये हमारे गैलरी में सेव हो जाएंगे।